नमस्कार, मैं नवीन शर्मा, 10 टोटो में आपका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दा लेके आ रहा हूँ आपके सामने कि कई लोगों के सवाल होते हैं कि एक महीने में आप टू व्हीलर कैसे सिखा सकते हैं। तो सर, एक महीने में टू व्हीलर हम सिखाते हैं, आज से नहीं, 2 साल से सिखा रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। और सीखने के बाद अभी तक जितने लड़के हमारे यहाँ से निकले हैं, 100% लड़के काम कर रहे हैं और कई लड़कों ने अब हमारी फ्रेंचाइजी भी ओपन करना स्टार्ट कर दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए, बहुत सारे फ्रेंचाइजीज जस्ट टोटो के नाम से ओपन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लड़के यहाँ रुकते हैं, एक महीने हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग को समझते हैं, यहाँ के स्टाफ को समझते हैं, यहाँ के कॉल सेंटर को समझते हैं, हम किस तरह से हेल्प कर रहे हैं लोगों की, किस तरह की गाड़ियाँ सिखा रहे हैं, BS6, EV सब के ऊपर हम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ में हम हाइब्रिड गाड़ी बनाना भी सिखा रहे हैं, पुरानी गाड़ी को EV में कन्वर्ट करना भी सिखा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें एक महीने में कैसे हो सकती है? सबसे पहला सवाल ये आता है, सर हो सकती है। हम फुल डे ट्रेनिंग देते हैं, 9:30 to 6। आपका टाइम बहुत कीमती है, तो क्या इतना कैसे बच्चा सीख पाएगा? दूसरा सवाल ये पैदा होता है। तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि यदि आपको कोई चीज़ को प्रैक्टिकली करना है और उसको कंटिन्यू प्रैक्टिकल करना है तो आप उसको आसानी से सीख सकते हैं। आज मान लीजिए टू व्हीलर का एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को आज गाड़ी का इंजन बनाना है या हाफ इंजन बनाना है, तो आप क्या करेंगे? गाड़ी को लेंगे, चढ़ाएंगे, रैंप पे लगाएंगे और हाफ इंजन का मटेरियल खोलेंगे, फिर चेक करेंगे, तो उसमें भी आपका कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा निकल जाता है जब उसको प्रोसेस वाइज आप ओपन करते हैं, प्रॉपर जगह पे रखते हैं। उसके बाद यदि मैं आपको ये बोलता हूँ कि अब इसको बनाओ, आपने बनाया, फिर बोलता हूँ कि आज आपका टाइम ख़त्म हो गया, तो आपको लगता है कि मेरा टाइम ख़त्म हो गया, प्रैक्टिस के लिए वापस कल आइए, तो आप कैसे करेंगे? कल तक आपको याद रहेगा कि आपने कौन सी गाड़ी में क्या क्या चीज़ किया, क्या नहीं किया? वही चीज़ मैं आपको यदि ये बोलता हूँ कि पहले हाफ इंजन बनाइए होंडा का बनाइए, फिर आप हाफ इंजन एक्टिवा का बनाइए, फिर आप हाफ इंजन पल्सर का बनाइए, तो यदि आप रूटीन में 3 हाफ इंजन बना रहे हैं, उन्हीं के ऊपर आप 2-2 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं और शाम तक में यदि आप 6 बार हाफ इंजन बना चुके हैं 2-2 घंटे के टाइम पीरियड से, तो जो पहला इंजन बनता है उसमें टाइम लगता है, दूसरे में कम, तीसरे में कम, चौथे में कम, और आप एक कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, तो फुल डे प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनते हैं। हर रोज मैं यदि आपको 3 घंटे के 4 घंटे ट्रेनिंग दूंगा, बाकी टाइम आप करोगे क्या? आप मैकेनिक बन रहे हो, आपको फुल डे काम करने की आदत डालनी है। 3 घंटे मैकेनिक दुकान बंद नहीं करता है, और ये कोई जिम का काम नहीं है कि मैं जिम में जाके मसल्स बना रहा हूँ, मसल्स आपको 30 मिनट ही बनानी है, नहीं तो बॉडी जवाब दे जाएगी। वहाँ आपको अलग अलग काम करना है, कभी नट बोल्ट खोलना है, कभी फिटिंग करना है, कभी लगाना है, कभी चेंज चेक करना है, कोई वजन वाला काम नहीं है, दिमाग और हाथों का काम है और आराम से करने का काम है। स्पेशल टूल आ गए हैं, नट बोल्ट के लिए भी आपको घन चलाना है, एलंगीज लगानी है, गाड़ी को नीचे झुकना नहीं है, लिफ्ट के साथ आपको ऊपर खड़ा करके गाड़ी को करना है जो रैंप पे आप गाड़ी लगाते हैं। तो यदि आप सिस्टमेटिक ढंग से काम करेंगे और आप यहाँ जब आते हैं तो आपको एक मैकेनिक की तरह ट्रेंड किया जाता है कि आप यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद 1 महीने बाद तुरंत प्रवाह से अपना काम चालू कर सकते हैं। 3-3 महीने की ट्रेनिंग वाले बहुत सारे लोग आए हैं हमारे पास, वापस 1 महीने का ट्रेनिंग लिया, कारण ट्रेन नहीं हो पाए। हमारे पास फ्रेशर्स भी नहीं आते दोस्त, हमारे पास साल भर, 2 साल 2.5 साल 5 साल 10 साल की लोग भी आते हैं जिन्होंने 10 साल से वर्कशॉप चला रहे हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी सीखना है, नया क्या है, नई चीज़ों को कैसे रिपेयर करना है, नई चीज़ों पर हमें काम कैसे करना है, जो टाइम हमें 2 घंटे लग रहे हैं उसको हमें 1 घंटे में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि पैसा कमाना है, पैसा टाइम है। जितना टाइम, कम टाइम में किसी सिस्टम को आप सीखोगे और किसी चीज़ को कम टाइम में करोगे तो आप बेनिफिट में रहेंगे। जस्ट ऑटो ये प्रॉमिस करता है कि मान लीजिए कि आप 1 महीने में नहीं सीख पाए और हमें भी लगा कि आप नहीं सीख पाए, तो हम आपको रोक लेते हैं, हम आपको 10 दिन और प्रैक्टिस कराते हैं, 15 दिन और प्रैक्टिस कराते हैं। हर एक का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, पर हमें हर एक के दिमाग को एक्सपर्ट तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है सिखाना। संडे को भी क्लास लेते हैं, गाड़ी दे देते हैं संडे को, और एक भी ऐसी गाड़ी मेरे वर्कशॉप में नहीं है जो रनिंग कंडीशन में नहीं है, चालू नहीं है। इंजन भी जो खोल के रखे हुए आप बैटरी लगाइए वो स्टार्ट होंगे,
और जब आपको इस तरह की गाड़ियों पे प्रैक्टिकल होता है तो कुछ दिनों बाद आपका मन ही करता है कि मैं कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकूँ, कितने ज़्यादा टाइम काम कर सकूँ, क्योंकि टाइम ही पैसा है। जितने कम टाइम में आप सीखेंगे, जितना अच्छा सीखेंगे, जितनी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आप सफल होंगे। डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, और जस्ट ऑटो आपको देता है 100% प्रैक्टिकल प्रॉपर तरीके से। पहला बैच में थ्योरी देता है, थ्योरी में जो पार्ट समझाया जाता है, जो चीज़ समझाई जाती है, वो की वो चीज़ें आपको मल्टी ब्रांड गाड़ियों पे पूरे दिन प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो थ्योरेटिकल दिमाग में आपको जो चीज़ें बैठानी थी वो बैठा ली, और प्रैक्टिकली हम आपको और अच्छे से करा देते हैं। इसलिए जस्ट ऑटो नंबर वन है, और आज हम प्राउड के साथ कह सकते हैं जस्ट ऑटो का स्टूडेंट और कहीं सीखने नहीं जाता, और कहीं के स्टूडेंट जस्ट ऑटो में आते हैं। देखिए हमारे फोटोज वीडियोज, कई जगहों के स्टूडेंट्स आपको यहाँ दिखेंगे, पर हमारा टू व्हीलर में इतना वादा है कि बंदा कभी पीछे नहीं देखेगा। इसलिए आज हम सक्सेस हैं, एवरी मंथ बैच आते हैं, और हर बैच में से कई लड़के फ्रेंचाइजी लेके एक्चुअल में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अपने अंडर में लोग रखने चालू किए हैं। जस्ट ऑटो के ऊपर जाके देखिए, बहुत सारे वीडियो सीखेंगे यूट्यूब पे जिन्होंने फ्रेंचाइजीज खोली हैं। आपको भरोसा है हो और आप चाहते हो तो हम आपको नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे, आप जाके मिलिए कि भाई कितने टाइम में सीखे हो और आज आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। ये सिर्फ जस्ट ऑटो में हो सकता है, और बहुत जल्द हमने कई वीडियो दिए हैं, और बहुत सारे वीडियो उनके रिव्यू भी हम आपको इसमें डालना चालू करेंगे जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो आप आइए जस्ट ऑटो को देखिए, कहीं पे भी पैसा खर्च कर रहे हैं तो एक बार जरूर विजिट कीजिए, यहाँ के स्टूडेंटों से आके बात कीजिए, एक एक घंटा बात कीजिए, सभी अपने स्टेट के लोगों से बात कीजिए कि भाई आप कैसा सीख रहे हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। इसी के साथ मैं अपनी चीज़ों को विराम देता हूँ क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, और अभी क्लासरूम में के वीडियोज़ को भी मैं छोटा सा इसमें ऐड करता हूँ, आप देखिए, और हमारे सारे क्लासरूम पैक हैं वो भी देखिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब टू व्हीलर क्लास में, सर थोड़ा सा डिस्टर्ब करें आपको, कंटिन्यू कीजिए। अब हम कितने 15 दिन के बाद टू व्हीलर क्लास आ गई, 15 दिन के ऊपर। अजय तुम किस टॉपिक को पढ़ा रहे हो उधर से देखो। वायरिंग का टॉपिक चल रहा है सर। देखिए कई लोग हमको बोलते हैं कि थ्योरी कंपलसरी नहीं है, सीधा प्रैक्टिकल सिखा दो, तो आपको क्या लगता है थ्योरी कंपलसरी है या सीधा प्रैक्टिकल कंपलसरी है? थ्योरी कंपलसरी है। अच्छा, आप में से वो लोग हाथ खड़ा करें जो कई लंबे टाइम से टू व्हीलर रिपेयर कर रहे हैं। आप तीन लोग, आप कितने टाइम से गाड़ियां रिपेयर कर रहे थे? दो साल से आप मैकेनिक हैं। आप? दो साल। आप भी 2 साल से? आप? डेढ़ साल। मतलब आप फ्रेशर हैं और ये लोग 1.5 साल से 2 साल से गाड़ियां रिपेयर कर रहे हैं खुद के वर्कशॉप हैं। यहाँ जब आप आए टू व्हीलर सीखने, तो आपको क्या लगा कि यहाँ ये सीख के मुझे थोड़ा जल्दी फास्ट सिखाऊं, या मैं गाड़ी ठीक करता था तो उसमें ये चीज़ें नहीं होती थी, कोई बता सकता है? पहले हम देसी तरीके से ठीक करते थे। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, हर पार्ट्स का नाम अजय सर बता रहे हैं कि किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं। गुजरात में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, आप तो मेट्रो से आए हैं तो वहाँ आपको सारी दिल्ली से, तो आपको तो सारी चीज़ें वहाँ हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा इशू क्या था कि कॉइल होती है ना, टू व्हीलर में कॉइल लगती है ना, उस कॉइल को गुजरात के अलग अलग कोने में जैसे भाषाएं बदलती है ना, वैसे कॉइल के नाम बदलते हैं। कहीं उंदर बोलते हैं, कहीं छड़ी बोलते हैं, मतलब कॉइल को कॉइल बोलते ही नहीं, सब अलग अलग नाम से बोलते हैं। एक बार वो चले जाए ना तो अपन समझ भी नहीं पाएंगे कि लोग क्या बोल रहे हैं। 15 दिन में अब आप कहाँ तक गाड़ी रिपेयर कर सकते हो? आप इंजन तक कर सकते हो? आपने कितनी गाड़ियां हाफ इंजन करके स्टार्ट करके देखी है, चला के देखी है? तीन गाड़ियों को आपने हाफ इंजन किया, चालू की और राउंड मार के देखा, राइट? अभी फुल इंजन की और वो बाकी रहा है। और VS6 आपका कब चालू हो रहा है? कल से आपका VS6 चालू हो रहा है। हम आपको पूरा टायरिंग समझा देंगे, VS6 समझाएंगे जो 3 दिन में। आप कल संडे था तो संडे को भी आप लोगों में से कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया? सभी लोग थे। तो अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? टाइम। आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र, सूरत, गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आप अलग अलग जगह से हैं, तो क्या आपके लिए टाइम कीमती है या नहीं? मैं यदि आपको कहूँ कि रोज के मैं आपको 3 घंटे सिखाऊंगा,
कितने घंटे? 3 घंटे। केवल 3 घंटे सिखाऊंगा तो और 3 महीने में सिखाऊंगा, चलेगा? क्यों? टाइम कीमती है, टाइम की वैल्यू है। और आज आपने हाफ इंजन के लिए गाड़ी खोला है, आज खोलने में चला गया 3 घंटे, और कल आके वापस उसको बनाओगे तो वो आसान है या कंटिन्यू बनाना आसान है? कंटिन्यू बनाना आसान है। क्या मैकेनिक 3 घंटे काम करता है? मैकेनिक कितने घंटे काम करता है? 12 नहीं, हम तो चाहते हैं कम से कम 8 घंटे तो हम मेहनत करें, स्मार्ट मेहनत करें। तो बाकी घंटे क्या करोगे यदि मैं 3 घंटे सिखाऊंगा तो? आप तो संडे भी नहीं छोड़ते हो, संडे को भी जाके गाड़ियां ले लेते हो कि सर आज ये गाड़ी खोलेंगे। कल मैंने आपका देखा था, आपने कहा था कि मुझे वो स्कूटी पैप को पूरा ओपन करके कैसे फिटिंग करेंगे, आप दोनों कर रहे थे ना। कोई गाड़ी का मना करते हैं हम आपको? नहीं। हमारे पास कितनी गाड़ियां ऐसी है जो बिल्कुल भंगार है, चलती नहीं है? एक भी नहीं है ना। सारी गाड़ियां रनिंग कंडीशन में जो आप चलाते हैं व्यवस्थित है। एक लोगों का एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सर 1 महीने में कैसे सीख सकते हैं? इम्पॉसिबल है 1 महीने में सीखना। अब आप बताइए, क्या 1 महीने में अपन सीख सकते हैं? जी सर। मैं इसका रीज़न इसलिए बता रहा हूँ कि अपन कंटिन्यू काम करते हैं। आप किसी भी चीज़ को जब सीखने जाते हैं तो उसका कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे ना। और जस्ट ऑटो इसी चीज़ को बोलता है कि हम आपको क्या कराते हैं? कंटिन्यू प्रैक्टिस। आपका हाफ इंजन होता है तो आप हाफ इंजन देखो, कुछ लोग इसी गाड़ी पे कर रहे हैं, कुछ उस पे कर रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं ना, फिर आप गाड़ियां बदलते हैं, राइट? कारण की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही जरूरी है। तभी आज अपने लिए, हमारे लिए बहुत खुशी की भी बात है कि हम बिहार में भी अपना 2-व्हीलर सेंटर खोल चुके हैं, हम झारखंड में खोल चुके हैं, अब बहुत जल्दी हमारे उड़ीसा में सेटअप लगने वाले हैं। और वो सब कौन लगा रहे हैं? स्टूडेंट्स ही लगा रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंट होके जाते हैं, हमारे पास आपके बैच में नहीं, पिछले वाले बैच में तो दूसरी जगह से सीख के बेचारे 3-3 महीने खराब किए हुए लोग आए। आपको फोटो भी मिल जाएंगे, आप फोटो सर्च करोगे ना तो मेरे यहाँ पे भी वो फोटो मिलेंगे जो वहाँ से कंप्लीट करके आए, और यहाँ से कंप्लीट होने के बाद उन्होंने वर्कशॉप खोला है। और जो परिवार वाले हैं, बीवी बच्चे हैं, उनके लिए तो यहाँ आते हो आप, 3 महीने यदि देना चालू कर दोगे तो 3 महीने की तनख्वाह, खाने पीने का 3 महीने का, और वो 3 महीने की जो इनकम बंद हुई वो नहीं तो 1 महीने बाद आप इमीडिएटली जा सकते हैं। और ये मेरी गारंटी होती है कि यदि आपको जॉब चाहिए तो हम इमीडिएटली आपको जॉब 2 से महीने, जैसे आप 30 खत्म हुई 1 से आप जॉब पकड़ लीजिए। आप में से कोई जॉब करना चाहता है? कोई नहीं। मेरे पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं। आप जॉब करना चाहते हैं तो जो मार्केट में तनख्वाह मिलती है उससे ज़्यादा ही मिलेगी, 12 से लेकर 18 हज़ार तक तनख्वाह मिलेगी और इमीडिएटली जॉब मिलेगी। यदि किसी को भी रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। तो सभी लोगों को 2-व्हीलर की बहुत सारी डिमांड है। अब तो देखो अपने पास आउट ऑफ इंडिया के लोग भी सीखने आ गए और कंटिन्यू आ रहे हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि 1 महीने में ट्रेनिंग बहुत बढ़िया हो सकती है। सिर्फ सिखाने वाला बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे जो टीम है, अजय और अजय की जो टीम है, वो आप पे कितनी मेहनत करती है? क्या किसी सवाल का जवाब मना होता है? क्या कोई भी चीज़ पूछने पे अजय सर या कोई भी आपको मना करता है जस्ट ऑटो में? क्या जस्ट ऑटो में कोई भी गाड़ी मांगने पे आपको मना किया जाता है कि इसको मत खोलो? वो यदि वो स्कूटर पे कोई सामान लेने गया वापस आता है ना, आप बोलते हो ये खोलनी है तो वो भी खोलो। तो रनिंग गाड़ियाँ आपको यहाँ मिलती है हाईएस्ट, और सबसे कम फीस भी अभी अपनी। हमारा यही है कि आप लोगों को मैक्सिमम लोगों को रोजगार तक पहुंचा दें। और मैं आपको बोलता हूं, आपने भी ये डिसीजन लिया है। आज मैं पटना था, पटना से आया हूं, हमारा एक वीडियो भी पटना वाला आ जाएगा। पटना जैसी जगह में FZ गाड़ियां बहुत है, यामा बहुत है, और मेरे वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा कल ओपन होते हैं सबसे ज़्यादा यही गाड़ियाँ हैं, बहुत गाड़ियाँ हैं। छोटे से वर्कशॉप से भी जब खोले, गाँव में भी जिन्होंने खोले उनके रोज जा, पहले अपने पास तो मोस्ट प्रॉब्ली मैकेनिक ही आते हैं अपने आप को अपग्रेड करने, फ्रेशर से ज़्यादा तो मैकेनिक आते हैं। तो वो कहते थे पहले सर 2 या 3 गाड़ी आती थी, हम धंधा ही नहीं कर पा रहे थे, क्या हो रहा है हमको आता नहीं, पर आज हमारी गाड़ियाँ डबल हो गई। आप लोगों को चाहेंगे तो एक दिन अजय आसपास में जो हमारी फ्रेंचाइजीज ली है एक बार विजिट करके आओ संडे, कि उन्होंने कितने अच्छे से सेटअप किया है तो कितना अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक मैं सब संतुष्ट, केवल अजय सर जो थ्योरी कैसे सिखाते हैं आपको, कोई एक चीज समझाते हैं वो पूरी चीज। आज क्या चल रहा है अजय?
बैटरी से वायरिंग सिखा रहे हैं, और ये कि ये चीज़ आपको नीचे जाके क्या बताएंगे, प्रैक्टिकली बताते हैं कि जो मैंने कहा था यहाँ वोल्ट आता है यहाँ करंट आता है। तो आपकी नोटबुक में भी आपने प्रॉपर राइट डाउन कर लिया, ये का ये चीज़ आप अलग अलग गाड़ियों पे प्रैक्टिकली करोगे तो क्या भूल सकते हो? जब तक हाथों से लिखोगे और हाथों से कंटिन्यू काम करोगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। एक शाम को मुझे इन सब का एक छोटा सा टेस्ट चाहिए, हर एक का रिव्यू चाहिए तुम्हारा, कौन जल्दी सीख रहा है कौन जल्दी नहीं सीख रहा है, किस में कहाँ कमी है हम आज पकड़ेंगे, उसके हिसाब से आपका एक्स्ट्रा क्लास अगले संडे स्टार्ट करेंगे। यदि हमें लगता है कि आप किसी चीज़ में वीक हैं, उस दिन उसी टॉपिक को लेके आपका ख़त्म करेंगे, ताकि जो अभी तक सीखा है ना उसमें से लेंगे। तो आप भी कह सकते हैं कि मुझे इस संडे में ये चीज़ सीखना है, 30 दिन में हमें एकदम सक्सेसफुली टेक्नीशियन बनना है, एक्सपर्ट टेक्नीशियन बनना है, और वो टेक्नीशियन बनना है जो BS6 और EV गाड़ी को भी रिपेयर कर सकता है, वायरिंग कर सकता है, इंजन बना सकता है, और आप इंजन और कूलिंग कर लेंगे। जी सर, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर।